भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, अपने सिंहासन पर वो विराजित हैं और अयोध्या में अपने आराध्य के दर्शन के लिए किस तरीके से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा के उसी की हर एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे चार साथी अभिषेक, मनोज्ञा, अंकित और रविकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब सीधे आपको अंकित के पास लिए चलते हैं। अंकित, दिखाइए जरा वहां की तस्वीरें, क्योंकि राम के दर्शन उससे पहले भगवान हनुमान के दर्शन जो भी आता है श्रद्धालु वो करता है, क्या तस्वीर है वहां की? बिल्कुल दीपा, और यही कह सकते हैं कि भगवान हनुमान के दर्शन के लिए किस तरीके से यहाँ पर प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं। उस तरीके की अव्यवस्था यहाँ पर नहीं है जैसे कि हम देख रहे हैं कि राम मंदिर के तमाम द्वारों पर है। और मान पहले आप एक बार मंदिर की तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लाखों लाख श्रद्धालु और भक्त ऐसे हैं जो अयोध्या आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी एबीपी न्यूज़ पर हम अपने दर्शकों को यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप मंदिर से यहाँ बैठे दर्शन कीजिए, लेकिन अभी अयोध्या नहीं आइए, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु और भक्त पहुंच चुके हैं, उसके चलते अव्यवस्था हो रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हनुमानगढ़ी की, तो हनुमानगढ़ी पर उस तरीके की अव्यवस्था नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अगर थोड़ा सा व्यवस्था आप ये बता रहे हैं कि हनुमानगढ़ी में व्यवस्थित तरीके से जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो दर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। रविकांत के पास लिए चलते हैं। रविकांत, रेलवे स्टेशन से क्या तस्वीर आप दिखा सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं वहां पर श्रद्धालु? सबसे पहले हम रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम की तस्वीर दिखा दें कि बहुत सारे यात्री यहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन इतना भव्य और बड़ा कर दिया गया है कि सैकड़ों की संख्या में लोग एक साथ मौजूद होने के बावजूद कहीं भी भगदड़ नहीं लग रही है, जाम नहीं लग रहा है और सारे लोग एक साथ यहाँ पर आ सकते हैं। और 8-10 टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई है, जिससे कि एयरपोर्ट की तरीके से जैसे बोर्डिंग पास निकाला जाता है या ATM होता है, वैसे आप टिकट निकाल सकते हैं। लेकिन अंकित हनुमानगढ़ी की बात कर रहे थे, तो हम सबसे पहले पूछ लेते हैं कि हनुमान जी सबसे पहले यहाँ मौजूद थे, क्या उनके प्रयासों से बन गया राम मंदिर? हनुमान जी राम जी के दूत हैं और वो कार्य करते हैं राम जी की कृपा से। राम जी जब चाहते हैं या परमात्मा का जब मन होता है तब वहाँ पर। लंबे समय से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे? पूरे विश्व में 525 वर्षों से ज़्यादा लोग जो हिंदू समुदाय हैं वो अपने ईष्ट का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जितने भी लोग हैं अलग अलग राज्यों से मौजूद हैं, कर्नाटक से लेकर के और गुवाहाटी तक यहाँ लोग आए हुए हैं, तमाम राज्यों के लोग आए हुए हैं, असम से लेकर के और बिल्कुल रविकांत, देखिए ये 500 साल का इंतजार जो खत्म हुआ के, अब जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं वो चाहते हैं कि अब इंतजार उनको ना करना पड़े और अपने आराध्य का वो दर्शन कर लें। शुक्रिया आपका रविकांत, अंकित आपका भी, अभिषेक और मनोज्ञा आप हमारे साथ बने रहे, आपका रुख फिर से करेंगे और दिखाएंगे अपने दर्शकों को वहां पर किस तरीके से श्रद्धालु आतुर हैं भगवान राम के दर्शन के लिए। ABP News आपको रखे आगे।